दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं देवव्रत अधिकारी। मेरा एड्रेस है न्यू कुचबिहार, इंडिया का उत्तर बंगाल का न्यू कुचबिहार में रहता हूं। ये गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल में आप लोगों को फिर से स्वागत करते हुए आज एक देखिए कैनन प्रिंटर MF217 मॉडल एक लेज़र प्रिंटर है। इसका जो फ्लैट बेड हिंगे बोलते हैं इंग्लिश में एक पार्ट है, मैं दिखाता हूँ। आप देखिए मैं निकाल भी लेता हूँ, निकालने के बाद आप लोग ये साथ देंगे तो आपका भी मल्टी नॉलेज बढ़ेगा। और मैं ये प्रिंटर आज पहली बार लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ, तो मैं सोचा यूट्यूब में एक टॉपिक भी दे दूँ, क्योंकि इस प्रिंटर के ऊपर हिंदी में वॉयस देकर आज तक किसी यूट्यूबर ने इसके ऊपर टॉपिक नहीं दिया। इसको देखिए, इसको बोलते हैं फ्लैट बेड हिंगे। इसके अंदर एक पावरफुल स्प्रिंग रहता है। देखिए मैं ट्विजर से ये बाहर निकाल लिया और अभी जो नीचे वाला पार्ट है वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि टूट टूट गया। ये देखिए टूटा हुआ पार्ट को एक ही स्क्रू से लगा रहता है। मैं इसको भी यहाँ पे पावरफुल स्प्रिंग रहता है, देखिए एकदम पूरा पावरफुल रहता है। मैं हिला के दिखा दिया तो इसको यहाँ पे लगाकर थ्रेड से एक स्क्रू लगा देना है। ये एक साइड वाला अगर होता है तो ये दाहिने साइड वाला ना खोल कर लगा सकते हैं। तो एक्चुअली मुझे बाद में मालूम पड़ा था दाहिने साइड वाला भी टूटा हुआ है, बाद में मैंने खोला हूँ। साथ में रहिए, कंप्लीट नॉलेज आपको भी हो जाएगा। मतलब ये प्रिंटर अगर आपके पास है आप खुद ये काम कर सकते हैं मेरा वीडियो देखने के बाद। और मैं ये मेरे चैनल में प्रोजेक्टर का भी टॉपिक देता रहता हूँ, मोटा मोटे मल्टी नॉलेज देता रहता हूँ, क्योंकि ये चैनल का मिशन एंड विजन है योर हेल्थ एंड वेल्थ कंप्लीट केयर मैनेजमेंट प्लान। तो दोस्तों अगर आप भी आपके अंदर कोई नॉलेज है आप शेयर कर देंगे तो बढ़ेगा। देखिए ऊपर से थोड़ा सा प्रेस किया और ये टूटा हुआ पार्ट जो है वो बाहर निकालना पड़ा, नहीं तो ये नीचे वाला नहीं लगेगा। थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करके ही ये निकल जाता है। तो अभी ये जो है मैं लगा दिया, इसको सिर्फ एकदम जगह पे चैनल टू चैनल बैठा कर थोड़ा प्रेस कर देंगे वो सेट हो जाएगा। क्योंकि मैं अकेला कर रहा हूँ, अकेला ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो दिखाने में मुश्किल है, फिटिंग हो गया। ये जब मैंने चेक किया, ये चेक करने के बाद मुझे समझ में आया ना वो लेफ्ट मतलब जो बाई तरफ है उसका भी टूटा हुआ है। लेकिन मैं सोचा था नया तरीका से अगर ना खोल के इसको अगर कर सकते हैं, बाद में देखा ना खोलना ही पड़ेगा, फिर भी मैं कोशिश किया। कोशिश का नाम जिंदगी। हाँ, मैं एक नया कोशिश के साथ ये देखिए मैंने ये दूसरा भी यहाँ पे बिठा रहा हूँ। तो बिठाने के बाद जब स्क्रू लगाता हूँ उसके बाद मुझे समझ में हुआ जो ना ये पूरा पैनल खोलना पड़ेगा, उसके बाद जाकर पूरा खोला। लेकिन कोई रिकॉर्डर वहाँ पे था नहीं तो मैं खुद इसको अकेला रिकॉर्डिंग करके बाद में घर आकर ये वॉयस ओवर कर रहा हूँ, ताकि ये नॉलेज से मैं चाहता हूँ जितना मतलब फिटर पर्सन है या तो नॉलेज लेना चाहता है वो पर्सन खुद का काम खुद कर ले। ये देखिए यहाँ पे इसको खोलने का टेक्निक क्या है, ऊपर दो लॉक है, पीछे एक स्क्रू है, मैंने पहले ही खोल लिया था। लगाने के टाइम आपको पूरा सीक्रेट दिखाएंगे, साथ में रहिए। और वहाँ पे जो एक लॉक है, लॉक को बढ़िया से नाखून से ही खोल सकते हैं। नाखून में अगर दम नहीं है तो ट्विजर से वायर को खोल देना है। और एक जितना यहाँ पे फ्लिप है, जितना कनेक्शन है सारा खोल देना है। नहीं खोलेंगे तो ये स्कैनर यूनिट पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाकर ये खोल पाएंगे, नहीं तो नहीं खोलेगा। धीरे से धीरे धीरे ये जो मैं खोल रहा हूँ ना, वहाँ पे लॉक आपको देखने से ही पता चल जाएगा जो लॉक को कैसे एक तरफ फंसा हुआ होता है और दूसरी तरफ लॉकिंग सिस्टम होता है ट्विजर से या तो स्क्रू ड्राइवर माइनस स्क्रू ड्राइवर से प्रेस करेंगे। देखिए ये उठ जा रहा है। तो आप जब भी खोलेंगे मन में उम्मीद लेकर 100% कर पाएंगे, इतना मेरा गारंटी रहेगा आप लोग कर पाएंगे। इसी उम्मीद से मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये चैनल फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में मल्टी टॉपिक देता रहता हूँ, हेल्थ का, वेल्थ का। हाँ, अगर आप 5 साल के अंदर बिलियनियर बनना चाहते हो वो भी देता हूँ। देखिए धीरे से ये खोलने के बाद ही ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठाकर ये देखिए, ये जो मैंने दोनों फ्लिप बेड लगाया, फ्लैट बेड के ऊपर से बैठा दिया, थोड़ा सा प्रेस कर रहा हूँ और वो लॉकिंग हो रहा है। देखिए आवाज़ भी होगा खट करके, देखिए ये देखिए खट करके आवाज़ हो गया, मतलब सेट हो गया बढ़िया से। अभी सिर्फ ये जितना मैंने खोला ये साबुतानी से लगाना है, और कोई मतलब यहाँ पे कोई मगजमारी का कोई काम नहीं है।
प्रोजेक्टर से आसान काम है, लेकिन सिर्फ आप एक बार कर लेंगे आपका मन में उम्मीद जगेगा, जो ना सही में आदमी अगर कुछ दिल से सोचता है तो कर सकता है, क्योंकि ये बनाया तो आदमी नहीं बनाया ना, ऊपर वाला आकर तो तदस्त बोल के ये रातों रात विश्वकर्मा जैसा बिल्डिंग बनाता है, कुछ भी चीज़ बना देता है, ऐसा नहीं हुआ कि आदमी ने सालों साल मतलब कोशिश करके ऐसा अपग्रेड प्रिंटर बनाया। ठीक है, जो आज ऑल ऑफिस स्कूल कॉलेज या तो पर्सनल बिजनेस में ये प्रिंटिंग का ज़रूरत पड़ता है आदमी का लाइफ में, तो दोस्तों देखिए सावधानी से वो लॉक को फंसाया और धीरे से फ्लैप को जैसे खोला था धीरे से दबा दिया, सेट हो गया। अभी सेट करने के बाद क्या होता है, ये दूसरा वाला यह है स्कैनर का, इसका भी सेट करना है धीरे से। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, अभी तीन वायर है, ये तीन वायर को लगाना है धीरे धीरे, और यहाँ पे जो ये अर्थिन का कनेक्शन है, हाँ अर्थिन का लगा रहा हूँ। तो आप लोग भी धीरे धीरे ऐसा नॉलेज लेते रहिए और दोस्तों को अपना मतलब जो ये नॉलेज लेना चाहते हैं उसको ये नॉलेज देकर शेयरिंग करके दुनिया को मल्टी नॉलेज मैन बनाना है, यही उद्देश्य से मैं इतना मेहनत करके वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य महान है दोस्तों, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, एक लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा, सीक्रेट बोल के कर रहा हूँ, ठीक है ना। और एक अभी धीरे धीरे जितना काम आएगा मेरे पास सारा नॉलेज देता जाऊँगा, मेरा साथ दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, हाँ मेरा हर वीडियो को फॉलो कीजिए, लाइव वीडियो फॉलो कीजिए। फिर ये देखिए वायरिंग आपका आंखों के सामने मैंने दिखा कर रहा हूँ, वो फंसाने का जगह है, आपने जब खोलेंगे ना तब ठंडा दिमाग में देख लेना है कहाँ कहाँ पे था, और आप एक बार फोटो खींच के रखना है अगर याद ना रहे तो। मैं प्रोजेक्टर का ट्रेनिंग देते वक्त भी ऐसा बताया, अगर याद ना रहे फ़ोटो खींच के रखिएगा। देखिए धीरे से पॉइंट टू पॉइंट बिठा दिया, थोड़ा धक्का लगा दिया, कट करके आवाज़ हुआ मतलब फिटिंग। अभी पीछे एक ही नाट रहता है, यही नाट खोल के लगाने के टाइम पीछे दो लॉक होता है और वो नीचे दो लॉक होता है, ऊपर दो लॉक होता है, वो खुल जाता है इजीली, सिर्फ आपको धीरे धीरे सबर से वो करना पड़ेगा। देखिए आसानी से फिटिंग हो गया, अभी धीरे से देखिए एकदम सेट हो गया, ज़बरदस्त सेटिंग हो गया, और एक प्रिंटिंग मार के आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। तो दोस्तों विनम्र रिक्वेस्ट है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ एक लाइक कमेंट्स करके सब्सक्राइब करके रखिए, दूसरों को शेयरिंग करना प्लीज़ ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल वीडियो है और दोस्तों का काम आने वाला चीज़ है, तो इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।